नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज अक्षय तृतीया है, साथ ही दोस्तों ईद भी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी व्यूवर्स को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रनवे 34 के 4 दिनों का कुल इंडियन नेट कलेक्शन कितना हो गया है, और दोस्तों आज ईद के दिन ये फिल्म कितना बड़ा कलेक्शन कर सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि रनवे 34 ने अपने पहले दिन करीब 3.40 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया था। क्योंकि दोस्तों फिल्म की हाइप ज्यादा नहीं थी और फिल्म से जो एडवांस बुकिंग है वो भी उतनी अच्छी नहीं रही थी, इस कारण दोस्तों फिल्म का कलेक्शन पहले दिन काफी लो रहा था। बल्कि ये कहूँ कि अजय देवगन की पिछले कई दशकों में जो भी फिल्म आई है उन सभी फिल्मों से इस फिल्म का कलेक्शन पहले दिन बहुत कम रहा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन फिल्म को जो पहले दिन जो क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज दिए थे और जो वर्ड ऑफ माउथ मिला उसके कारण दोस्तों दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। करीब 60% का ग्रोथ इस फिल्म को मिला और दोस्तों शनिवार को इस फिल्म ने करीब 5.20 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया। वहीं दोस्तों तीसरे दिन संडे होने के कारण संडे की छुट्टी होती है और दोस्तों फिल्म को चूंकि क्रिटिक्स ने क्या काफी अप्रिसिएशन दिया और दोस्तों अजय देवगन के डायरेक्शन की भी काफी तारीफें हुई। वहीं दोस्तों फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है बहुत ही शानदार है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर है, और दोस्तों इस कारण से इस फिल्म को संडे को काफी बड़ा उछाल मिला और संडे को इस फिल्म ने सभी को चौंकाते हुए करीब 7.25 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया। और दोस्तों जहां तक सोमवार की बात है तो दोस्तों सोमवार को वर्किंग डे होने के कारण करीब करीब सभी फिल्मों के कलेक्शन में गिरावट देखी जाती है। तो रनवे 34 के कलेक्शन में भी करीब 50% का गिरावट देखने को मिली इसके मुकाबले संडे के मुकाबले। हालांकि अगर फ्राइडे से कंपेयर करें तो फिल्म का कलेक्शन में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। दोस्तों जहां फ्राइडे को कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपए रहा था वहीं दोस्तों सोमवार को फिल्म का कलेक्शन करीब 4 करोड़ रुपए रहा है। तो ठीक कहा जा सकता है, इतना बुरा भी कलेक्शन नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों इस प्रकार रनवे 34 का प्रथम 4 दिनों का कुल इंडिया नेट कलेक्शन करीब 19.85 करोड़ रुपए हो जाता है, मतलब 19.85 करोड़ रुपीज। दोस्तों 70 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म को अभी काफी आगे जाना होगा, बहुत अच्छी कमाई करनी होगी तभी ये फिल्म हिट साबित होगी। फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 80 करोड़ रुपए का कलेक्शन भारत में करना होगा, मतलब इंडिया नेट कलेक्शन करीब इसका 80 करोड़ रुपीज होना चाहिए तब ये फिल्म हिट कहलाएगी। दोस्तों जहां तक आज की बात है तो दोस्तों आज ईद है और ईद के ऊपर फिल्म के कलेक्शन में काफी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ईद पर आप जानते हैं जो भी फिल्में रिलीज होती है उनको बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग मिलती है। अमूमन ईद पर शाहरुख खान या सलमान खान की फिल्में रिलीज होती रही है, लेकिन इस साल उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है। तो दोस्तों ईद पर दर्शकों के पास देखने के लिए 3 फिल्मों का मुख्य रूप से ऑप्शन है, जिनमें एक हीरोपंती 2, दूसरी है रनवे 34 तथा तीसरी है KGF Chapter 2। तो दोस्तों इन तीनों फिल्मों का अगर एनालिसिस करें तो जहां KGF Chapter 2 ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और सभी फिल्मों के रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है और 1000 करोड़ ग्रॉस क्लब के आंकड़े को भी पार कर चुकी है, दोस्तों मेरे को लगता है आज ईद के दिन भी सबसे ज्यादा इंडियन नेट कलेक्शन KGF Chapter 2 का रहेगा। और दोस्तों दूसरे नंबर पर रनवे 34 रहेगी, वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर हीरोपंती 2 रहेगी। तो दोस्तों आज के दिन ये फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है, कितना जबरदस्त उछाल ला सकती है, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। जब मेरे पास सारी एडवांस बुकिंग्स की रिपोर्ट्स और थिएटर ऑक्यूपेंसी की रिपोर्ट्स आ जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि आज ईद के दिन फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं और फिल्म धीरे धीरे ही सही ग्रोथ दिखा रही है, आगे बढ़ रही है, तो देखते हुए लगता है कि आज ये फिल्म काफी अच्छा कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।